नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह आरआईआर का मेल चिक्स है। अगर आज इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 13वां दिन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी अच्छे से फीडिंग कर रहे हैं। आज के मैनेजमेंट के रूप में बात करें तो आज मैंने जो पानी के टैंकर थे उनको फिर से रोज की तरह साफ़ सुथरा करके भर दिया है, और खाने का जो बर्तन थे फीड है उसमें भी दाना भर दिया, और इसमें जो एक दिख रहा है प्लेट टाइप की इसमें भी फीड भर दिया है। आप देख सकते हैं कि बच्चे 13वें दिन काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। अगर इनका बॉडी वेट है, अभी मेरे पास इनका बॉडी वेट करने के लिए एक मशीन नहीं है, मशीन बुलवाई हुई है फ्लिपकार्ट से, फिर मैं आप इनको इनका बॉडी वेट करके भी बताऊँगा क्या कितने दिन में ये कितनी ग्रोथ ले रहे हैं और कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी लगभग अंदाज से देखा जाए तो यह लगभग 100 से 150 ग्राम हो चुके हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो दिन के समय तेज़ धूप निकलने लगी है और रात के समय ही ठंडी पड़ रही है, इसीलिए दिन के समय चाहूँ तो अब यह कुछ समय बाद 10-11 बजे तक इसका बल्ब बंद कर दिए, क्योंकि टेम्परेचर दिन और रात का लगभग लगभग अपन को समान रखना है, इसीलिए रात के समय बल्ब चालू कर दिए और दिन के समय इनको बंद कर दिए। आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ ले रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपके बच्चे में 1 से लेकर 20 दिन तक किसी प्रकार की बीमारी आती है तो आप उनको कौन सी दवाई दे सकते हैं। उसमें ये रहता है कि कोई बच्चे जैसे सुस्त बैठा है, अनकॉन्शियस है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, गर्दन घुमा रहा है, या वाइट डायरिया कर रहा है, या उसको खुराइजा हो गया है, या फिर वह उसको साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया अफेक्ट कर रही है। साल्मोनेलोसिस का अर्थ यह रहता है, यह आंतों में हो जाता है जिससे कि बच्चा खूनी दस्त टाइप का करने लगता है। इस प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए 1 से 20 दिन तक हम कौन कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, आपको मैं एक पैकेट बताने वाला हूं। इसमें देखिए, स्क्रीन पर जूम करके बताता हूं, इसमें देखिए ये इसमें बीमारियों का नाम भी लिखा है। स्क्रीन पर जूम करके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जूम नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इसमें लिखा है, देखिए खुराइजा है, खुराइजा के बाद इसमें लिखा है फाउल पॉक्स है, सालमिया है, और वाइट डायरिया है, इकोलॉजी है। इन सभी बीमारियों के लिए इसका उपयोग की जा सकता है। हिंदी में अगर देखा जाए, खुराइजा का मतलब रहता है जब बड़ की आँखों में उधर बाजू वो दाने दाने टाइप के हो जाते हैं तो उसको खुराइजा कहा जाता है। और साल्मोनेलोसिस रहता है, ये बैक्टीरिया है, इसको हम टाइफाइड के बैक्टीरिया के नाम से भी जाता है। इसका इंग्लिश वर्ड है साल्मोनेला, यह टाइफाइड कहा जाता है, जिसमें बच्चा सुस्त हो जाता है, गर्दन झुका लेता है, और उसको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसका खुद का वजन उसका बहुत भारी हो चुका है और उसकी डेथ हो जाती है। वाइट डायरिया में यह चिपचिपी बीट उत्पन्न करता है, उसको हम वाइट डायरिया कहते हैं, और इकोलॉजी रहती है। इन प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए 1 से 20 दिन तक हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, किस दवाई का उपयोग करना है। 1 से 20 दिन अगर यह बीमारी हो जाती है तो स्क्रीन पर आपको लाइव दिख रहा है, ये वेवरॉक कंपनी का है, इसको हम लिक्सन पाउडर के नाम से जाना जा सकता है। जूम करके दिखा रहा हूँ, लिक्सन पाउडर है यह, बहुत सी चीज़ यह मुर्गी के बच्चों में बहुत ही कारगर दवाई है। जो मैंने अभी बीमारियाँ गिनाई हैं आपको, इन बीमारियों के लिए यह बहुत ही है। अब इसको देना कैसे है, इसको देना ऐसा है, नॉर्मली रूप से इसको 1 लीटर पानी में हम 1 ग्राम चलाते हैं। जैसे कि अपन ने 3 बर्तन लगे हैं तो 3 बर्तन में 1-1 लीटर पानी में 1-1 ग्राम, या 3 लीटर पानी में 3 ग्राम दे सकते हैं। यदि आपके पास 1000 बच्चे हैं तो यह जो पूरा पैकेट दिख रहा है, 1000 बच्चों के लिए 20 ग्राम का पैकेट पर्याप्त होता है। और यदि आप इसमें डोज पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जूम करके बता रहा हूँ, इसमें डोज भी स्क्रीन पर ये जूम नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, इसमें स्क्रीन पर डोज भी लिखा है, इसमें 10 mg लिखा है पर उसमें kg पर, और इसमें 300 kg वेट पे 20 ग्राम करीब लिखा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, या नॉर्मली रूप से देखा जाए तो आप इसको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दे सकते हैं, और यदि 1000 बर्ड है आपके पास तो उसको तो पूरे पैकेट को देना है। यह बहुत ही लिक्सन पाउडर रहता है, बहुत ही कारगर है। इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुर्गा बना है, कैमल बना है, और बेफेलो बनी है, और उसके बाद घोड़े बने हैं, और मतलब काऊ बनी है। आप इनको भी यह पाउडर चला सकते हैं यदि इनमें किसी प्रकार की बीमारी आती है। यह सफ़ेद डायरिया, खुराइजा हो गया, साल्मोनेलोसिस अर्थात जिसको हम टाइफाइड के नाम से जाना जाता है, इकोलॉजी, इन प्रकार की बीमारियों में हम ये लिक्सन पाउडर चला सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, यदि 1000 बच्चे हैं तो 20 ग्राम।
इस प्रकार से हम जो बर्ड है उनको बीमारियों से उनका बचाव कर सकते हैं। यह एक एंटीबायोटिक पाउडर है, इसको हम एक दिन से लेके 20 दिन तक इस पाउडर का हम उपयोग कर सकते हैं, एक दिन से लेके 20 दिन तक। और 20 दिन के बाद हम किस पाउडर का उपयोग करेंगे उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आरकी बिटर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।